मैं प्रेरणा मिश्रा, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा के कोरोना से एम्स में हुई मौत। बिहार के दरभंगा जिला में गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए बाढ़ की पानी की वजह से टायर ट्यूब का नाव बनाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मोतिहारी के सिसवा पश्चिमी पंचायत के ग्रामीणों का आरोप है कि 17 जुलाई को नाले का ढलाई किया गया स्लैब बेहद कमजोर है। सिसवा पश्चिमी पंचायत वार्ड नंबर 2 के ग्रामीणों का कहना है कि नाले के स्लैब का ढलाई इतना कमजोर है कि हाथों से टूट जा रहा है। इसमें केवल बालू ही बालू नजर आ रहा है। सीमेंट की मात्रा इसमें बहुत कम डाला गया है, जिस वजह से ये बहुत ही कमजोर है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लोक जन शक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय श्री हुलस पांडे पोस्टर के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी फिल्म दिल बेचारा को बिहार में रिलीज कराने की मांग की। मोतिहारी जिला अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अरेराज अंतर्गत सरैया पंचायत के लोकनाथपुर ग्राम में डीआरएफ टीम के साथ किया दौरा। अंजला अधिकारी एवं एसडीओ को दिया महत्वपूर्ण निर्देश। मोतिहारी से दिलीप नागर की रिपोर्ट। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन का वितरण करते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। रंगिया से बहुवरी जाने वाला पथ टूटा। पानी का बहाव बहुत तेज है, जिससे लखौरा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। मोतिहारी के पताही प्रखंड में घुसा बाढ़ का पानी। पताही से संतोष राउत की रिपोर्ट। जीवली गांव में जाने वाली सड़क भी बाढ़ के कारण स्थगित हो चुकी है। लोगों के घरों में घुस चुका है बाढ़ का पानी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड के सड़कों पे बाढ़ का पानी का बहाव तेज और ज्यादा होने के कारण जिवली पदुमकेर गांव का आवागमन बंद पड़ गया है। गांव में बाढ़ का पानी पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर। पूर्वी चंपारण के अलावा नेपाल के तराई क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पताही प्रखंड स्थित देवापुर गांव के समीप मोतिहारी सीवर पथ पर दूसरी बार बागमती नदी का पानी चढ़ गया। बाढ़ के पानी से दोनों जिला के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह भंग हो गया है। मोतिहारी से सीवर जाने वाले लोग नाव से सीवर के बेलवा गाँव तक जा रहे हैं। लाल बकिया नदी का पानी अभी खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिस तेजी से बागमती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसी संभावना है कि देर रात तक दर्जनों गांव के खेतों में बाढ़ का पानी फैल जाएगा। अंचलाधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि बाढ़ आने की स्थिति में बचाव और राहत कार्य के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। NDRF के अलावा प्राइवेट नाविकों को भी नाव के साथ अलर्ट रहने को कहा गया है। मोतिहारी छौड़ा दानो थाना प्रभारी प्रभाकर पाठक और अरेराज के ओपी प्रभारी सुनील कुमार को SP ने किया निलंबित। दोनों अधिकारियों पर पूर्व में तथ्य छुपाने के आरोप में दोनों को निलंबित किया गया। मोतिहारी में तिलावे नदी का बांध टूटा। नदी के पानी के दबाव पर टूटा बांध, जो फुलवार दक्षिणी पंचायत के चितहा गाँव के पास टूटा है। बांध टूटने से खेतों में फैला बाढ़ का पानी। वही मोतिहारी के धुमनी टोला के समीप सिकरहना नदी का रिंग बांध टूटा। कई गांव पर बाढ़ का खतरा बढ़ा। सुगौली प्रखंड में है धुमनी टोला। बिहार में दिनों दिन कोरोना का रफ्तार बढ़ते जा रहा है। बीते 24 घंटों में 1502 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 30,066। आज के लिए इतना ही। फिर मैं कल मिलूंगी नए ताजा तरीन खबरों के साथ। धन्यवाद।